हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त सत्यजीत गायकवाड़ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ आज हम सीखने वाले हैं सेट्स प्रैक्टिस सेट 1.4 सेट्स चैप्टर की ये फोर्थ वीडियो है इससे पहले अगर आपने तीन दूसरी वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर उन तीन वीडियोस को देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो पर वापस आइए आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट एंड वर्ड प्रॉब्लम्स आज ये सभी पार्ट हम आज सीखने वाले हैं इससे पहले की अगर वीडियोस आपने नहीं देखी तो जाकर वो वी वीडियोस देखिए और बाद में इस वीडियो पे आइए तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करेंगे e platform, e platform, noon noon क्या है नून अकेडमी तो यहां पर आपको मिलेंगे नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक की पूरी की पूरी लाइव क्लासेस क्लास नाइन्थ से लेकर क्लास ट्वेल्व तक आपको पूरी लाइव क्लासेस और वो भी बिल्कुल फ्री डेली फ्री लाइव क्लासेस नाइन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की पूरी की पूरी लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाली है उसके बाद फ्री नोट ऑफ द क्लास एमसीड प्रिपरेटरी सेम्पिटेटिव एग्जाम जो भी है उस सबकी गाइडेंस भी आपको मिलने वाली है क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट्स के लिए उसके बाद अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन ये सबका सब कुछ आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने ये सब कुछ आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से नूना एकेडमी एप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद अपनी फ्री क्लासेस का मजा लीजिए तो देर ना करते हुए हम ऑपरेशन ऑन सेट जिसमें की पहला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है इंटरसेक्शन सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स द सेट्स ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट एक ही वर्ड ध्यान में रखना है जब इंटरसेक्शन आएगा तब एक ही वर्ड ध्यान में रखना है या खाली कॉमन क्या कॉमन होना चाहिए एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट्स कॉमन है उन्हें हम क्या बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन तो देखिए यहां पर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है इस तरीके से कुछ लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी ये जो है ये साइन ऑफ इंटरसेक्शन इसे कह सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी इसे कैसे रीड करेंगे ये ए इंटरसेक्शन बी मतलब सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इज इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी मतलब वो जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट सेट ए में भी मौजूद होगा और सेट बी में भी मौजूद होना चाहिए मतलब दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इंटरसेक्शन ऑफ दो टू सेट्स कहलाएंगे जैसे कि यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है सेट ए इज वन थ्री फाइव सेवन सेट बी टू थ्री सिक्स एट वट इज ए इंटरसेक्शन बी क्या कहेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे अब यहां पर देखिए एक एलिमेंट कॉमन है कौन सा थ्री तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा यहां पर थ्री आएगा तो थ्री ये क्या हुआ ए इंटरसेक्शन बी तो इसे कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं और इसे वेन डायग्राम से भी हम शो कर सकते हैं ये देखिए यहाँ पर दो सेट हमें दिए गए हैं सेट ए एंड सेट बी तो पहले तो हमें क्या करना है इंटरसेक्शन वाला पार्ट दोनों में कॉमन रखना चाहिए पहले क्या करना है हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट कॉमन रखना है और उसके बाद क्या करना है जो पार्ट कॉमन है उसमें कॉमन एलिमेंट लिख के लेना है ये ए इंटरसेक्शन बी वाला ये बीच वाला पार्ट जो कि कॉमन है ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी और उसमें कॉमन पार्ट्स कॉमन एलिमेंट्स पहले लिख के लेना है कॉमन एलिमेंट एक ही है यहाँ पर जो कि है थ्री और उसके बाद बचे हुए एलिमेंट्स यहाँ पर एलिमेंट ऑफ सेट ए वन फाइव एंड सेवन उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी दैट इज टू सिक्स एंड एट दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ये बीच वाला जो पार्ट है ये पार्ट्स पूरा इसको क्या कहेंगे हम ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी ओके गॉट इट तो इंटरसेक्शन किसे कहेंगे द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन एनी टू सेट्स इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स जैसे कि यहां पर दिखाया गया है इसे क्या कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट तो चलिए आगे का कंसेप्ट देखेंगे आगे है आ, हमें देखना है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट के रिलेटेड जो कि हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पर पहले दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए मतलब सेट ए और सेट बी कैसे भी अगर हमने कंसिडर कर लिया तो भी उसका इंटरसेक्शन सेम ही आएगा ए इंटरसेक्शन बी करो या फिर बी इंटरसेक्शन ए करो दोनों ही वैल्यू सेम आएंगे एंड इफ ए इज सबसेट ऑफ बी तो सबसेट मतलब क्या हुआ पूरा का पूरा सेट ए बी में समा जाएगा तो इस वजह से क्या हुआ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए जो सबसेट है वही क्या होगा उसका इंटरसेक्शन होगा दूसरे सेट का जो अगर समझो यहां पर सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगा सेट ए होगा मतलब जो सबसेट होने वाला है वही इंटरसेक्शन होने वाला है तीसरा पॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी वाइस वर्सा दिया गया है यहां पर इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्शन बीज ऑल्सो सबसे बी जो है वो दोनों ही सेट का सेट ए और से होना चाहिए ए इंटरसेक्शन ए डैश ए वॉट इज ए डैश पिछली वीडियो में हमने देखा ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो फाय होना फाय होगा हमेशा क्या होगा होगा क्योंकि दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा सेट ए और सेट ए-डैश इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो अलग-अलग हमें ऐसे शो करेंगे सेट ए पर और सेट बी यहाँ पर दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है मतलब इंटरसेक्शन ही नहीं है इंटरसेक्शन नहीं है तो क्या लिखेंगे उसको फाइव लिखेंगे फाइव मतलब एम्प्टी सेट ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए मतलब वही सेट अगर उसी सेट के साथ इंटरसेक्ट होगा तो उसका इंटरसेक्शन भी वही सेट होगा ओके okay? तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है सेवन पॉइंट ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव मतलब किसी भी सेट को आप एम टी सेट यहां पर एम टी सेट है ये सेट ए है यहां पर एम टी सेट तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा फाइव होगा एम टी सेट ओके देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस मतलब नाम सुनकर ही आपको पता चल गया होगा डिसंट सेट जो सेट जॉइंट नहीं है मतलब जो सेट अलग अलग है जो सेट अलग 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 मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है वहां पर उसे क्या कहेंगे डिसजॉइंट सेट इफ देयर इज नॉट अ सिंगल कॉमन एलिमेंट एंड बोथ द सेट आर कंप्लीटली डिफरेंट देन दिज सेट आर नोन एज डिस आर कंप्लीटली डिफरेंट हमको एक ही बात ध्यान में रखना है डिस सेट्स डिस सेट्स किसे कहेंगे जिस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा उसे हम डिसंट सेट कहेंगे तो डिसजॉइंट सेट में क्या होगा वो दोनों सेट कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सेट ए वन थ्री फाइव नाइन सेट बी टू फोर एट और जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे सेट ए यहाँ पर अलग दिखाया गया है और सेट बी बिल्कुल ही अलग मतलब मतलब दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना होने की वजह से इनका इंटरसेक्शन भी नहीं हो सकता इसीलिए ये दोनों सेट क्या है दोनों ही डिस सेट है मतलब इन दोनों के बीच में ये देखिए फासला दिख रहा है यहाँ पर जॉइंट है क्या मतलब जुड़े हुए हैं नहीं है इसी वजह से हम इन्हें डिस सेट कह सकते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते आगे हमें देखना है यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है यूनियन ऑफ टू सेट्स और यूनियन मतलब क्या दोनों का मिला के जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे यूनियन दो सेट्स मिलाकर जो सेट बनता है उसे क्या कहेंगे यूनियन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड इज कॉल्ड मतलब जो भी एलिमेंट सेट ए में होंगे और जो भी एलिमेंट सेट बी में होंगे उन दोनों का मिला के जो सेट बनेगा उस सेट को हम क्या कहेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स जो कि कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा ए यूनियन बी यहां पर देखिए ए यूनियन बी इसे कैसे लिखेंगे a यूनियन b is equal to x एलिमेंट x है वहां पर और सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b आल्सो मतलब a का एलिमेंट हो सकता है सेट a बिलोंग्स टू a x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b a का हो या b का हो, दोनों में से किसी भी एक सेट का एलिमेंट होना चाहिए तो दोनो, दोनों दोनों सेट के एलिमेंट्स मिलाकर उसे क्या कहेंगे हम यूनियन ऑफ टू सेट्स देन एग्जांपल सेट ए दिया गया है यहाँ पर माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव एंड ज़ीरो सेट बी यहाँ पर दिया गया है उसके बाद ए यूनियन बी देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं माइनस वन यहाँ पर माइनस वन माइनस थ्री यहाँ पर माइनस थ्री माइनस फाइव ये यहाँ पर ज़ीरो दोनों सेट में है यहाँ पर उसके बाद थ्री थ्री फाइव फाइव ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स मिलाकर हमने ये सेट बना दिया तो इसे हम क्या कहेंगे ये क्या है यूनियन ऑफ टू सेट्स। ए यूनियन बी इसे पढ़ना कैसे है ए यूनियन बी ये कैसे पढ़ेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस फाइव जीरो माइनस वन थ्री एंड फाइव ओके और इसे हम डायग्राम के फॉर्म में शो कर सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट ए और सेट बी दिया गया है कॉमन एलिमेंट होने की वजह से दोनों का इंटरसेक्शन भी यहाँ पर दिया गया है ये देखिए दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के इंटरसे कॉमन जीरो कॉमन है इसी वजह से इंटरसेक्शन में क्या आ गया जीरो आ गया उसके बाद बचे हुए एलिमेंट्स ए इधर और सेट बी के एलिमेंट्स बचे हुए इधर तो इस कुछ इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स तो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है तो वो हम यहाँ पर एक बार देख लेंगे देखिए क्या बताया गया है पहला पॉइंट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए सेम जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले इंटरसेक्शन के लिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए वैसे ही ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए सेकेंड पॉइंट है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब बड़ा सेट कौन सा से? है बड़ा वाला कौन सा मतलब है ए इज अ सबसेट मतलब ये छोटा है ये क्या है छोटा है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे और बी क्या है बड़ा है मतलब क्या है बिगर है ओके तो जो बिगर वाला होगा तो उसी का सबसेट बनेगा जो ए इंटरसेक्शन बी है ये ए यूनियन बी जो है वो क्या बनेगा सेट बी जो है उसका इक, उसके इक्वल बनेगा ओके तो यहाँ पर ऐसे देख लेंगे एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करके ए इज अ सबसे मतलब क्या है? यहां पर यह देखिए सेट बी हो गया बड़ा वाला ए क्या है उसका सबसेट है मतलब उसके अंदर आ जाएगा क्या आ जाएगा ए तो दोनों को मिला के क्या बना दोनों को मिला के यही बना सेट बी बना तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या बी तो ऐसे ध्यान में रखना है आगे ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी मतलब दोनों भी सेट जो है वो यूनियन सेट के सबसेट रहने वाले हैं या होने चाहिए ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू मतलब एक सेट यहां पर है मौजूद और उसके बचे हुए बाकी एलिमेंट्स यहां पर मौजूद है यह है सेट ए और यह है सेट ए डैश तो दोनों का मिला के क्या बनेगा यूनिवर्सल सेट बनेगा ओके दोनों का मिला के क्या बनेगा यूनिवर्सल सेट उसके आगे ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए मतलब उसी सेट की उसी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेट मिलेगा जैसे कि इंटरसेक्शन के बारे में देखा था हमने उसके बाद है ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए मतलब ए के साथ ए की यूनियन किसके साथ फाइ फाइव मतलब कुछ भी नहीं कुछ भी मिलाया नहीं तो क्या बनेगा वही बनेगा सेट ए तो ऐसे ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है उसके बाद आगे हम देखने वाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इजी है क्लास फर्स्ट का बच्चा भी बोल देगा देखिए सेट ए इज गिवन देयर आर फाइव एलिमेंट्स ओके नंबर ऑफ ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ए इज डिनोटेड एस एन खाली ये बात ध्यान में रखना है हम बाकी एलिमेंट्स तो हम काउंट कर सकते हैं सिर्फ यही एक बात है जो हमें ध्यान में रखना है जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ ए मतलब क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव देर आर फाइव एलिमेंट्स सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव कुछ इस तरह से हम ये शो करेंगे उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन एक फार्मूला है यहाँ पर यह हमें ध्यान में रखना है तो इससे हम क्या क्या करेंगे ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी और उसमें से सब्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्यों क्योंकि क्या होगा जो ए इंटरसेक्शन बी है वो दोनों सेट में अवेलेबल होगा तो दोनों सेट में है मतलब दो बार लेने की जरूरत नहीं उसी वजह से ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से माइनस हो गया कुछ हम इसे देखिए एग्जांपल यहां पर सेट ए और सेट बी दिया गया है सेट ए और सेट बी यहां पर एन ऑफ ए एन ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे एन ऑफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट देर आर एट एलिमेंट्स येन ऑफ बी इज इक्वल टू देर आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन देर आर सेवन एलिमेंट्स और इसके बाद क्या होगा यहाँ पर ए इंटर सेक्शन बी इज इक्वल टू वन वन कॉमन है टू टू कॉमन है इंटरसेक्शन में क्या लेंगे खाली कॉमन एलिमेंट्स थ्री नॉट कॉमन बाकी थर्टीन कॉमन है तो थर्टीन लेंगे देर आर थ्री कॉमन एलिमेंट्स देर आर थ्री कॉलम कॉमन एलिमेंट्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू थ्री तो ये कैसे होगा देखिए ये फार्मूला जो हमने अप्लाई किया ये यहाँ पर हम लिख लेंगे ये ऑफ ए यूनियन बी ये हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू यन ऑफ एन ऑफ ए कितना है एट प्लस यन ऑफ बी कितना है येन ऑफ बी सेवन प्लस सॉरी माइनस ए इंटरसेक्शन बी थ्री दैट इज इक्वल टू एट प्लस सेवन फिफ्टीन माइनस थ्री ट्वेल्व और यहाँ पर कुछ इस प्रकार हमें इसे शो करेंगे कुछ इस प्रकार हम इसे शो करेंगे वेन डायग्राम से ये देखिए ये हुआ यूनिवर्सल सेट उसके बाद सेट ए यहाँ पर और सेट बी यहाँ पर ए एंड बी देखिए एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कॉमन एलिमेंट्स पहले लिख लेंगे कॉमन एलिमेंट्स क्या है एंड 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 देन ओके देन टू सिक्स एट ट्वेल्व सेट बी में क्या है टू सिक्स एट एंड ट अब देखेंगे पूरे एलिमेंट्स गिन के लेंगे ए यूनियन बी ये पूरे के पूरे मिला के ए यूनियन बी बना ए यूनियन बी बना तो कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व देर आर ट्वेल्व एलिमेंट्स मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है तो ये वाला हमें फार्मूला यहाँ पर ध्यान में रखना है हर बारी से हमें यही फार्मूला एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे जब वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तब यही फार्मूला हमें ध्यान में रखना है कि ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन डी दोनों की एडिशन करके उसमें से इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर देने हैं तो यह हमें खाली ध्यान में रखना है तो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर है प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जी हाँ पहले ही क्वेश्चन में हमें हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है कौन सा वाला एन ऑफ ए यूनियन बी एन ऑफ ए यूनियन बी देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है एन ऑफ ए यूनियन बी यन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो फाइंड आउट करना है सेम फार्मूला यूज करेंगे फार्मूला क्या है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओके जो जो वैल्यू पता है वो वैल्यू पुट कर देंगे यूनियन बी कितने है ट्वेंटी नाइन है एन ऑफ एन ऑफ ए है फिफ्टीन प्लस एन ऑफ़ बी एन ऑफ़ बी क्या है एन ऑफ़ बी मतलब मालूम नहीं है एन ऑफ़ बी एज इट इज़ रख लेंगे माइनस एन ऑफ़ ए इंटरसेक्शन भी क्या है सेवन तो सबसे पहली बात तो ये ट्वेंटी नाइन एज इज़ रहेंगे यहाँ पर तो प्लस फिफ्टीन जो है वो माइनस फिफ्टीन बन जाएंगे उसके बाद माइनस सेवन जो है वो प्लस सेवन बन जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में आ यहाँ पर बचा क्या एन ऑफ़ बी एन ऑफ़ बी बचा ही बाद में बाद में क्या करेंगे आगे आगे क्या करेंगे एन ऑफ़ बी इज़ इक्वल टू कैलकुलेट करना है ट्वेंटी नाइन माइनस फिफ्टीन दैट इज इक्वल टू सेवन सेवन प्लस सेवन दैट इज इक्वल टू फोर्टीन तो यहाँ पर आंसर मिल गया हमें यन ऑफ बी वॉट इज एन ऑफ़ बी आंसर क्या है अपना यन ऑफ बी इज इक्वल टू फोर्टीन तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हमें आंसर मिल गया है तो यन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है वॉट इज एन ऑफ बी येन ऑफ बी इज फोर्टीन अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले क्वेश्चन में है क्या दिया गया वर्ड प्रॉब्लम है जो कि हम पहले ही हम डिस्कस करने वाले थे वर्ड प्रॉब्लम में यहाँ पर दिया गया है इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देर देर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 डी ड्रिंक टी सम स्टूडेंट्स 80 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी 60 ड्रिंक कॉफ़ी 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी जो बचे हुए स्टूडेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है मतलब यहां पर कंसिडरेशन का मामला है क्या कंसिडर करेंगे दो सेट कंसिडर करेंगे क्या करेंगे लेट ए द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंक टी लेट ए द सेट ऑफ ड्रिंक क्या करेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु

सेट ऑफ स्टूडेंट वहां पर है पीने वाले सिक्सटी स्टूडेंट देर आर सिक्सटी स्टूडेंट ऑफ बी इज इक्वल टू सिक्सटीन देन ऑफ ए पता चल गया हमें मालूम हो गया और कॉमन कितने हैं कॉमन मतलब क्या ट्वेंटी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ देर आर ट्वेंटी स्टूडेंट हु लिख लेंगे यहां पर ट्वेंटी स्टूडेंट्स ट्वेंटी स्टूडेंट्स ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ अब यहां पर क्या हो गया ट्वेंटी स्टूडेंट्स कॉमन है मतलब क्या है इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये बात हमेशा ध्यान में रखना जो चीज कॉमन है वो इंटरसेक्शन कहलाएंगे देर आर ट्वेंटी स्टूडेंट्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ट्वेंटी बाद में फार्मूला अप्लाई करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू वट एन ऑफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू पुट कर देंगे एन ऑफ ए इज इक्वल टू वाट एटी प्लस एन ऑफ बी सिक्सटी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने स्टूडेंट्स कितने ट्वेंटी एटी प्लस सिक्सटी 140, 140 20, 120. There are 120 students in N of A union B. अब A क्या है? A जो है, वो है set of students who drink tea. चाय पीने वालों का set. और B क्या है? कॉफी पीने वालों का set. मतलब A union B क्या बनेगा? ये जो है, इतने students चाय या कॉफी दोनों में से टी और कॉफी दोनों में से एक चीज पीने वाले स्टूडेंट्स हैं ट मींस दे आर फोर वन हंड्रेड ट्वेंटी स्टूडेंट्स ड्रिंक कुछ तो भी एक चीज तो पीते होंगे ना स्टूडेंट्स ड्रिंक एट लीस्ट एट लीस्ट टी और कॉफी दोनों में से एक चीज पीने वाले है देर आर टोटल स्टूडेंट्स वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स ओके देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ए ड्रिंक टी और कॉफी बच्चे कितने फाइव दे आर फोर फाइव स्टूडेंट्स देयरफॉर आंसर क्या है अपना फाइव स्टूडेंट्स डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी ओके दैट अपना आंसर टी और कॉफी कितने स्टूडेंट्स है देयर आर फाइव स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी अब यही सवाल था सवाल क्या था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी जो चाय भी नहीं पीते और जो कॉफी भी नहीं पीते तो कितने स्टूडेंट है आंसर क्या है अपना देयर आर फाइव स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी तो ये सवाल तो आ, आसान था इजी था एकदम इससे दूसरा एक सवाल हम कंसिडर करेंगे देखिए कुछ इस प्रकार इन अ कंपिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश कर लेंगे 60 पास 60 स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स ज्यादा है कुछ 40 स्टूडेंट्स पास इन द सब्जेक्ट्स मतलब कॉमन है नन ऑफ देम फेल इन द सब्जेक्ट्स कोई भी फेल नहीं हुआ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब क्या है पूरी यूनियन निकालने की जो ऐसे अभी जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही सेम मेथड से सॉल्व करना है क्या करना है लेट ए बी द स्टूडेंट लेट ए बी द सेट लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश हु पास इन इंग्लिश ओके तो कितने सेट कितने स्टूडेंट हैं इंग्लिश पास करने वाले 50 फिफ्टी स्टूडेंट्स फिफ्टी स्टूडेंट एन ऑफ इक्वल टू फिफ्टी सिमिलरली लेट दूसरा सेट कौन सा है मैथमेटिक्स वालों का लेट बी विद सेट लेट बी विद सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास हु पास इन मैथमेटिक्स ओके देयरफॉर कितने स्टूडेंट्स है देर आर सिक्सटी स्टूडेंट्स ज्यादा है कुछ इंग्लिश वालों से यून ऑफ बी इज इक्वल टू सिक्सटी दैट मीन सिक्सटी स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स देर आर फोर्टी स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स है फोर्टी स्टूडेंट्स पास इन बोथ बोथ सब्जेक्ट्स ओके दैट मींस इंटरसेक्शन क्या है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है ना फोर्टी स्टूडेंट्स पास इन बोध सब्जेक्ट्स मीन दिस इज कॉमन पार्ट कॉमन पार्ट मतलब क्या इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फोर्टी फोर्टी स्टूडेंट्स पास इन बोध सब्जेक्ट वॉट वट डू हैव टू फाइंड नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेम क्वेश्चन है एन ऑफ़ ए इज इक्वल टू फिफ्टी प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू सिक्सटी माइनस एन ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फोर्टी दैट मीन्स फिफ्टी प्लस सिक्सटी वन टेन वन टेन प्लस माइनस फोर्टी दैट इज सेवेंटी दैट मीन्स एन ऑफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेवेंटी मतलब सेवेंटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी एक सब्जेक्ट एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पास किया हुआ है मतलब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन एटलीस्ट वन आंसर कैसे बनाना देखो आंसर कैसे बनाना है जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में से आंसर बनना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऐसे लिखना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन एटलीस्ट हु पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट इज कितने स्टूडेंट है सेवेंटी मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट इज सेवेंटी दोनों सवाल जो थे पहला और दूसरा और तीसरा वो दोनों ही लगभग लगभग सेम सवाल थे इजी थे इसके बाद हम एक और सवाल फाइंड सॉल्व करेंगे देखिए अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, क्लास 9. 220 स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर 220 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स थर्टी अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने हैं ये देखिए यहाँ पर 130 स्टूडेंट्स उनकी हॉबी क्या है उनकी हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग एंड वन हंड्रेड एट्टी स्टूडेंट इनफॉर्म देअर हॉबी है यूज करके करते हैं ना स्काई उसे स्काई वॉचिंग वन एटी स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी है स्काई वॉचिंग देयर आर वन हंड्रेड टेन स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज दो हॉबी होने वाले कितने स्टूडेंट हैं वन हंड्रेड टेन स्टूडेंट देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट है टू हॉबीज हाउ मनी ऑफ देम फॉलो हॉबी ऑफ रैक रॉक क्लाइंबिंग ओनली हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है इसमें तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं तो पहले तो हम लिख लेंगे क्या क्या दिया गया है वो देयर आर टू हंड्रेड ट्वेंटी स्टूडेंट्स एंड वन थर्टी स्टूडेंट्स इन्फॉर्म देअर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग स्टूडेंट्स हुज क्या करेंगे एक, एक यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कंसिडर कर लेंगे लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर देखिए क्या कंसिडर करेंगे लेट ए बी द सेट ऑफ लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हुज हॉबी इज रॉक क्लाइंबिंग जिनकी हॉबी क्या है रॉक क्लाइंबिंग है देआर फॉर यन ऑफ ए क्या हुआ कितने स्टूडेंट है येन ऑफ ए इज इक्वल टू वन हंड्रेड थर्टी एक सौ तीस स्टूडेंट की हॉबी क्या है रॉक क्लाइंबिंग है दूसरा सेट लेट बी बिथ द सेट लेट बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट जिनकी हॉबी क्या है जिनकी हॉबी है हुज हॉबी इज स्काई वॉचिंग हुबी इज स्काई वॉचिंग अब क्या बना यहां पर यन ऑफ बी इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट्स है देर आर वन हंड्रेड एटी स्टूडेंट्स वन हंड्रेड एटी स्टूडेंट

अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज मतलब 220 में से उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी ऑफ ए यूनियन बी उसके लिए ए यूनियन बी निकालेंगे यन ऑफ ए इज इक्वल टू ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑफ ए प्लस यन ऑफ बी माइनस यन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उसके बाद क्या होगा आगे आगे एन ऑफ यूनियन बी फाइंड आउट करना है मालूम है है 130 ऑफ़ बी वन हंड्रेड एंड टेन क्या हुआ आंसर 130 वन हंड्रेड थर्टी प्लस वन हंड्रेड एट्टी थ्री हंड्रेड एंड टेन माइनस वन हंड्रेड एंड टेन दैट मीन टू हंड्रेड देयर आर टू हंड्रेड स्टूडेंट्स हॉबी इज एट लीस्ट वन हॉबी देर आर देर इज एट लीस्ट वन हॉबी मतलब एक तो स्काई वॉचिंग या रॉक क्लाइंबिंग दोनों में से एक हॉबी फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं कितने स्टूडेंट्स हैं ए यूनियन बी में वन टू हंड्रेड स्टूडेंट्स देर आर टूट और टोटल स्टूडेंट्स कितने टोटल स्टूडेंट्स आर टू हंड्रेड ट्वेंटी टोटल स्टूडेंट्स आर टू हंड्रेड ट्वेंटी मतलब बच्चे कितने ट्वेंटी ट्वेंटी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी हॉबी आंसर क्या लिखना है ट्वेंटी स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी हॉबी ये तो पहला आंसर हो गया उसके बाद हाउ मैनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग मतलब रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने हैं ओनली ओनली रॉक क्लाइंबिंग मतलब वन थर्टी तो रॉक क्लाइंबिंग वाले हैं आप लोग आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि देयर आर वन थर्टी स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग लेकिन उसमें से वन हंड्रेड टेन तो कॉमन भी है हा तो क्या करेंगे हम ओनली रॉक क्लाइंबिंग इसके लिए क्या करेंगे यून ऑफ ए वन हंड्रेड थर्टी और जो कॉमन वाले है मतलब जो जिनके पास दोनों हॉबी है बोथ हॉबीज वो इसमें से निकाल देंगे मतलब वन हंड्रेड टेन माइनस कर देंगे दैट इज

स्काई वॉचिंग ओनली वाले देखिए स्काई वॉचिंग है वन वन एटी और उसमें से कॉमन कितने हैं कॉमन है वन हंड्रेड टेन वन हंड्रेड टेन माइनस कर देंगे क्या हुआ आंसर आंसर क्या बना आंसर इज सेवेंटी दैट मीनस सेवेंटी स्टूडेंट्स सेवेंटी स्टूडेंट्स फॉलो ओनली हॉबी एज स्काई वॉचिंग ठीक है तो इतना आज आसान था एक ही सवाल में तीन तीन सवाल देने के वजह से थोड़ा सा मुश्किल लगा लेकिन ये भी सवाल बिल्कुल इजी था तो अब तक तो आपको ठीक ठाक से समझ में आ गया होगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है उससे पहले तो सेट के फॉर्म में कंसिडर कर लेना है कि जो जो हॉबीज या जो जो कुछ दिया गया है उसे सेट में कंसिडर कर लेना है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट शुड बी रिप्रेजेंट देयर और उसके बाद में हम ये फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं ठीक है आगे हम देखेंगे एक और क्वेश्चन जो कि <coughs> कुछ इस प्रकार है ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स जो दिए गए सेट है वो खाली सेट हमें यहाँ पर लिखना है देखिए पहले तो दिया गया है सेट ए सेट ए लिखना है डायग्राम में देख के लिखिए ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या हुआ यहाँ पर सेट ए ठीक है क्या है उसमें एक्स वाई जेड है उसके बाद यम और यन भी है हो गया सेट ए सेट बी लिखना है सेट बी इज इक्वल टू क्या है सेट बी में ये पूरे इतने एलिमेंट देखिए यम यन पी क्यू आर यमय उसके बाद पी क्यू आर उसके बाद तीसरा सेट ए यूनियन बी ए यूनियन बी लिखना है ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो यूनियन बी लिखना है ए यूनियन बी में क्या आएंगे पूरे एलिमेंट्स एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर पूरे के पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड म एन पी क्यू आर ये हो गया ए यूनियन बी उसके बाद यूनिवर्सल सेट लिखना है पूरे के पूरे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मतलब उसके अंदर बाहर सभी सभी एलिमेंट्स एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर ये सभी के सभी एलिमेंट्स और बाहर क्या है यस और टी यस टी भी यहाँ पर आ जाएंगे ये क्या हुआ हमारा यूनिवर्सल सेट अब लिखना है हमें ए डैश अब क्या लिखना है ए डैश लिखना है मतलब जो एलिमेंट है सेट ए में मौजूद है वो छोड़कर बाकी पूरे के पूरे एलिमेंट्स हमें ए डैश में लिखना है मतलब ये ए वाले एलिमेंट्स ये इतने एलिमेंट्स छोड़कर बाकी पूरे एलिमेंट्स मतलब क्या पी क्यू आर उसके बाद यस yes, और टी भी वहां पर उसके बाहर है सेट ए की तो ए डैश हुआ तो बी बी डैश बी डैश क्या है ये बी वाले एलिमेंट छोड़कर बाकी पूरे एक्स वाई जेड एस टी एक्स वाई जेड एस टी आएगा इसमें एक्स वाई जेड एस टी उसके बाद क्या है उसके बाद है ए यूनियन बी डैश ए यूनियन बी डैश तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी तो यहाँ पर दिया गया है एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर इसे छोड़कर बाकी के पूरे एलिमेंट्स डैश में आ जाएंगे ए यूनियन बी डैश में आ जाएंगे मतलब क्या आएगा सिर्फ यस yes और टी आएगा क्या आएगा यस एंड टी तो ये पूरे के पूरे सेट हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया बिल्कुल आसान था ज्यादा सोचने की वाली जरूरत नहीं थी एकदम ये पूरे के पूरे, पूरे कंसेप्ट जो है बिल्कुल आसान है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं मैं अगली वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक दबाइए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू